Hello everyone, I welcome you all to your own channel, The Divine Instrument, The Search Within. This is Swati Jaiswal, your friend, your guide and healer. Namaste. आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली हम सबका फेवरेट टॉपिक है. गेस कर सकते हैं? करेक्ट, फाइनेंस, मनी, प्रॉस्पेरिटी. सो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे वॉलेट के थ्रू. हमारा जो वॉलेट होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज यूजुअली सारे ट्रांजेक्शन बैंक से होते हैं. आई नो हमारे आपा बोलो के वॉलेट में कैश रखता कौन है आज के टाइम पे, कैश कौन रखता है, वी ऑल डू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन राइट. बट यस, बट स्टिल वो एक सिग्निफिकेंस है. आपका वॉलेट फिर भी सिग्निफाई करता है आपकी प्रॉस्पेरिटी, वो एक सिंबल है आपके प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का. प्लीज अंडरस्टैंड मनी क्या है. जब हम बात करते हैं कि हम कैसे अट्रैक्ट करें मनी को, तो हम किसकी बात करते हैं? हम क्या एक पेपर मनी जो पेपर फॉर्म में आता है उसकी बात कर रहे हैं, या हम एनर्जी की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एनर्जी की. एवरीथिंग इज एनर्जी, इवन मनी इज एन एनर्जी. मनी इज ऑल अबाउट प्रॉस्पेरिटी एनर्जी. आपके लाइफ में जितनी प्रॉस्पेरिटी एनर्जी होगी आप उतना ग्रो करोगे, उतने प्रॉस्परस होगे. आप जितने अट्रैक्ट करोगे उतने प्रॉस्परस आप बनते जाओगे. बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, ये कंसर्न होता है, हमारे पास पैसा बहुत आता है, कैश फ्लो होता है, ओवरफ्लो होता है, बट वी आर नॉट एबल टू रिटेन दैट मनी. बहुत से लोगों के साथ होता है ना कि आपके पास पैसा आता तो है बट टिकता नहीं है, एज इन यू आर नॉट एबल टू सेव दैट मनी, नॉट एबल टू रिटेन दैट मनी. जब बात करते हैं मनी की, मनी डिनोट्स लक्ष्मी, लक्ष्मी डिनोट्स प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस. इट इज एन एनर्जी. आप एनर्जी को जैसे ट्रीट करोगे एनर्जी वैसे ही आपको ट्रीट करेगी. एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन राइट. कि मनी को कैसे अट्रैक्ट करें, उसमें दो चीज़ें आती हैं. फर्स्ट कि आपको अपने वॉलेट में क्या क्या चीज़ें रखनी है, और दूसरी ये भी आती है कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी है. तो हम पहले बात करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें हटानी हैं. जब तक आप स्पेस नहीं बनाओगे, आपको पहले स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, देन आपके पास प्रॉस्पेरिटी आएगी राइट. तो जब तक आप स्पेस क्रिएट नहीं करोगे, आप जब तक स्पेस क्रिएट नहीं करोगे, अगर किसी भी चीज़ को आपको अपने पास लाना है तो उसके लिए पहले आपको उसके लिए स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा. वी नीड टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर स्पेस. तो वो स्पेस कैसे आएगा, पहले आपको उसके लिए जितनी भी चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें हैं आपके वॉलेट में आपको उसको हटानी होंगी. उसके बाद हम वो स्पेस क्रिएट करेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें रख के और अट्रैक्ट कर सकते हैं. इट इज़ ऑलवेज क्लेंजिंग एंड एनर्जाइजिंग राइट. सो फर्स्ट विल क्लीन योर वॉलेट एंड देन वी विल एनर्जाइज योर वॉलेट ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स जो हमें नहीं करनी है. एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी है, लोग फटे नोट भी रख लेते हैं. फटे नोट यानी कि टोन नोट्स, मोड़े हुए नोट्स प्लीज़ अपने वॉलेट में ना रखें. बहुत लोगों को देखा है नोट्स को मोड़ मोड़ के, मरोड़ मरोड़ के पर्स में रखते हैं, वॉलेट में रखते हैं. अ बिग नो, प्लीज़ डोंट डू दैट. जैसे मैंने पहले कहा, हमारे इंडिया में हर चीज़ों को भगवान से रिलेट करते हैं राइट. सो इवन जब हम बात करते हैं पैसों की, सो पैसों को कौन रिप्रेजेंट करता है हमारे इंडिया में, गॉड इज लक्ष्मी राइट. दो इट्स एन एनर्जी बट स्टिल वी ट्रीट हर, हम पैसों को लक्ष्मी माता मानते हैं राइट. तो आप ऐसे मोड़ मोड़ के रखोगे नहीं ना, आपको उसे स्टॉप करना है, उससे आप उनका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो. डोंट नो अपने पैसों को मरोड़ मरोड़ के मत रखें. सेकेंड, आपके पर्स में, आपके वॉलेट में डिफरेंट सेक्शंस दिए हुए हैं राइट. डिफरेंट सेक्शंस हैं, उसमें आपको ये देखना है कि आप जो चेंज है, जो चिल्लड़ है, जिसे हम लोग चिल्लड़ कहते हैं, चेंज कहते हैं, वो स्टेबल नहीं होता है राइट. वो उसके उसको आप मिलाकर मत रखें. चेंज और नोट्स को सेपरेटली रखें, उसको एक साथ कभी ना रखें. अगर आप उसको एक साथ रखोगे तो वो आपका जो पैसा है वो दिखेगा नहीं, वो ओवर वो निकलता जाएगा राइट. सेकेंड, कि बहुत से लोगों की हैबिट होती है, क्रेडिट कार्ड का बिल दिया, उसका रिसीट मिला, वॉलेट में डाल दिया कार्ड के साथ. मेडिकल बिल्स हुआ, कार्ड के साथ में डाल दिया, वॉलेट में रख दिया. पेट्रोल का बिल आया, पेट्रोल का रिसीट है, वो भी आपने वॉलेट में डाल दिया. ये सब चीज़ें ना करें.
जब आप ये सारी चीजें करते हो तो आप अपने वॉलेट को क्लटर कर रहे हो और आपकी जो आप क्योंकि ये सारी चीजें आप किसके साथ में रख रहे हो, प्रॉस्पेरिटी एनर्जी के साथ। जब आप ये सारी चीजें प्रॉस्पेरिटी के साथ रख रहे हो तो आपकी जो एनर्जी है वो सेव नहीं हो रही है, आप वो उसको डाइवर्ट कर रहे हो। कहाँ पे? अपने मेडिकल एक्सपेंसेस में, अपने एक्सपेंसेस में, या आप अपने डेली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में। आपकी जो प्रॉस्पेरिटी एनर्जी है आप उसको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस में आप डाइवर्ट कर रहे हो रादर देन सेविंग इट इन योर अकाउंट। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड, चीजों को सेग्रीगेट करें। बड़े नोट जो है, आपके जो नोट्स हैं, आप उसको सेपरेट कॉलम में रखें, सेपरेट सेक्शन में रखें। चेंज को सेपरेट सेक्शन में रखें। मेडिकल बिल्स, कोई भी रिसीट्स या कोई भी बिल्स प्लीज ना रखें अपने वॉलेट में। साथ साथ में वॉलेट को भी डीक्लटर करते रहें। लोगों को पर्स में इतनी सारी चीजें भरी हुई हैं, उन्हें खुद नहीं पता है। तो आप क्या कर रहे हो, आप पर्स में अनवांटेड एनर्जी स्टोर कर रहे हो। तो आपके जैसे लोग अपने पर्स को, अपने वॉलेट को खाली रख देते हैं। नेवर एवर डू दैट, प्लीज आई रिक्वेस्ट। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप अपने पर्स को एनर्जी अट्रैक्ट्स, आप जो रख रहे हो आप वही एनर्जी अट्रैक्ट करो। अगर आप अपने पर्स को खाली रखते हो तो आपके लाइफ में भी क्या होगी, डोंट कीप योर वॉलेट एम्प्टी। नेवर, बहुत से लोग होते हैं एम्प्टी वॉलेट लेकर निकल जाते हैं, प्लीज डोंट डू दैट। कैश बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके वॉलेट में होना, सो प्लीज़ इंश्योर करें कि आप अपना वॉलेट कभी भी खाली ना रखें। खाने की कोई भी चीज़ें वॉलेट में ना रखें। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको वॉलेट्स में क्या नहीं रखना है। अब ये आप हम और हर वीक में, वीकली में अपने वॉलेट्स को डिक्लटर करते रहें। तो ये हमने बात की आज डिक्लटर के बारे में, कैसे क्लेंस कर सकते हैं अपने वॉलेट को, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं रखनी है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें रख के अपने वॉलेट में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट इवन यू कैन जनरेट गुड कर्मा। बिकॉज अगर आप प्रॉस्पेरिटी एनर्जी दूसरों के साथ शेयर करोगे तो आपको भी वो मिलेगा। इट इज इन गिविंग दैट यू रिसीव, आप जैसा दोगे वैसा आप पाओगे। तो अगर आप किसी के साथ नॉलेज शेयर कर रहे हो प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ानी है तो डेफिनेटली वो आपके पास भी रिटर्न आएंगे। सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट इवन दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, जहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें करके हम फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू सो मच।